सिमरन हेटमायर और संजू सैमसन का तूफान में उड़ा गुजरात टाइटंस की टीम। राजस्थान रॉयल ने इस मैच में शानदार जीत दर्ज किया। आईपीएल 2023 के 23वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस वर्सेज राजस्थान रॉयल के बीच मुकाबला खेला गया। राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में बेहद ही रोमांचक मैच रहा और लास्ट ओवर तक ये गेम गया। संजू सैमसन का तूफान, डेविड मिलर का बेहतरीन पारी और शुभमन गिल का बेहतरीन इनिंग भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान मुकाबले का, जिसमें कि राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस कांटे का टक्कर देखने को मिला। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी का न्योता दिया। वृद्धिमान शाह गुजरात टाइटंस की तरफ से वृद्धिमान शाह और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए और वृद्धिमान शाह जल्द ही 4 रन बनाकर चलते बने। वहीं शुभमन गिल का साथ देने आए साई सुदर्शन 19 गेंदों में 20 रन बनाकर वो भी रन आउट होकर के चलते बने। और एक तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ से फिर हार्दिक पांड्या द कैप्टन आए 19 गेंदों में 28 रन बनाकर वो भी युजवेंद्र चहल का शिकार बने, वो भी आउट हो गए। और दूसरी तरफ से शुभमन गिल लगे हुए थे, शुभमन गिल भी 34 गेंदों में 45 रन बनाकर 4 चौके 1 छक्का की मदद से वो भी आउट हो गए। दोस्तों उसके बाद आए डेविड मिलर ने शानदार पारी खेला और 30 गेंदों में 40 रन टोक डाले, 3 चौका 2 छक्का की मदद से 46 रन टोक डाले और वो भी संदीप शर्मा का शिकार बने। वहीं उसके साथ आए खेले मनोहर भी 13 गेंदों में 27 रन बनाए और 3 छक्के लगाए। उसके बाद आए राहुल तेवतिया 1 गेंद में 1 रन, राशिद खान 1 गेंद में 1 रन बनाए और टोटल टीम गुजरात टाइटंस ने 177 रन 7 विकेट नुकसान पे 20 ओवर की समाप्ति पे बनाए और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को 178 रनों का टारगेट दिया। और राजस्थान रॉयल की तरफ से राजस्थान रॉयल 178 रन का टारगेट का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल जल्द ही आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने अपने टीम गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दिलाई, 7 गेंदों में 1 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल चलते बने। वहीं जोश बटलर भी 0 पे आउट हो गए, वो भी 5 गेंदों में 0 पे बॉल हो गए। मोहम्मद शमी उसको 0 पे बॉल कर दिया और वो भी जल्दी ही चलते बने। उसके बाद आए देवदत्त पाडिकल ने 25 गेंदों में 26 रनों की महत्वपूर्ण इनिंग खेली और 2 गेंद में 2 रन बनाकर वो भी 2 चौका और 2 छक्का मारकर आउट हो गए। वहीं बात करें दोस्तों संजू सैमसन का, तो 32 गेंदों में 60 रन का बेहतरीन पारी खेला जिसमें कि 3 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। उसको नूर अहमद ने आउट किया। उसके साथ देने के लिए आए रियन पराग, वो भी 7 गेंदों में 5 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने। उसको फिर साथ देने आए हेटमायर, सिमरन हेटमायर, जिसने कि 24 गेंदों में 48 रन बनाए, 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। फिर उसके सिमरन हेटमायर का साथ देने आया ध्रुव जोरेल, जो कि 8 गेंदों में 12 रन बनाकर उसका साथ दे रहे हैं। सिमरन हेटमायर का साथ देने आए ध्रुव जोरेल, भी 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, 2 चौके और 1 छक्का के साथ 18 रन बनाया। वहीं वो मोहम्मद शमी का शिकार बने। वहीं बात करें दोस्तों फिर सिमरन हेटमायर का साथ देने आए रविचंद्रन अश्विन ने 3 गेंदों में 10 रन बनाकर वो भी आउट हुए, जिसमें 1 चौका 1 छक्का शामिल था। उसको भी मोहम्मद शमी ने बॉल किया। वहीं बात करें दोस्तों फिर साथ देने आए ट्रेंट बोल्ट ने, राजस्थान रॉयल को लास्ट ओवर में चाहिए थे 6 गेंदों में 7 रन। सिमरन हेटमायर ने पहले गेंदों में 2 रन लिया और फिर अगले ही गेंद में सिमरन हेटमायर ने छक्का मारकर राजस्थान रॉयल को मैच में जीत दिला दिया। दोस्तों अगर आप भी सिमरन हेटमायर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।